everyone, welcome to my channel. So, आज का वीडियो होने वाला है जैसे कि आपने टाइटल एंड थंबनेल से देख ही लिया. It's going to be on pons and it's going to be a skincare video. Now, ये वाला जो product है ये actually मुझे PR में मिला था. ये 2-3 months पहले launch हुआ था if I'm not mistaken and मुझे तभी ही मिल गया था. But then बीच में मैंने videos बनाना बंद कर दिया था. इसीलिए इसका जो review है ये इतना ज़्यादा लंबा खिंच गया. तो ये वैसे देखा जाए तो 2-3 months पहले launch हुआ था तो kind of new ही है. So it is their new mineral clay range and this is for oil-free glowing skin. ये इस तरीके का आता है. Now since this is a PR kit इसीलिए मुझे इस तरीके का आया. अगर आप परचेज करोगे तो आपको इंडिविजुअल चीज़ें ही मिलेगी. तो इसमें दो फोमिंग फेस वॉश है एंड ये दोनों अलग अलग इन्ग्रीडियंट से बने हैं. इनके साथ साथ मुझे ये दो पाउचेस भी मिले जिनको मैंने एक एक बारी दोनों को इस्तेमाल किया. सो ये वाला जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये डिटॉक्सिफाइंग के लिए है एंड ये वाला जो है ये ब्राइटनिंग के लिए. तो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके का है. इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इस तरीके का कुछ पॉन्ड्स का ऑलरेडी फेस वॉश जो चारकोल का एक मिलता है. सो ये इस तरीके के फेस वॉशेस आते हैं. ये 210 रुपीज़ के आते हैं. दीज कंटेन 90 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट. पे लिखा हुआ है कि इसे आप 9/2022 तक इस्तेमाल कर सकते हो. सो आई बिलीव दैट इट हैज़ अ टू ईयर काइंड ऑफ टू ईयर शेल्फ लाइफ. बट फेस वॉश है तो ऑफकोर्स जल्दी ही ख़त्म हो जाता है. तो ये इन दोनों की पैकेजिंग इस तरीके की है. थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिख जाएगा. इसमें जो है इसका मेन इन्ग्रीडियंट है विटामिन B3 जो कि ग्लो के लिए इस्तेमाल होता है. ये जो इन्ग्रीडियंट है एंड इसमें है जैसे कि ये दिख ही रहा है ये इसमें चारकोल प्रेजेंट है. जैसे कि मैं यहाँ पे पीछे पढ़ रही हूँ दोनों में ये लिखा हुआ है दैट इट इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड विद 100% नेचुरल ओरिजिन मोरक्कन क्ले जो कि ऐसा एक मिनरल है जो कि आपके जितने भी इम्प्योरिटीज है आपकी स्किन के उसे एकदम ही खींच लेता है, उसे अब्जॉर्ब कर लेता है एंड आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा डीपली क्लेंस्ड हो जाती है. उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें है विटामिन B3 जो कि आपके सेल्स को रिन्यू करता है, रिजुविनेट करता है एंड आपकी स्किन को ब्राइटन करता है. एंड इसमें लिखा हुआ है कि इसमें डिटॉक्सिफाइंग चारकोल पार्टिकल्स है जो कि आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा रिफाइन करता है, टेक्सचर इम्प्रूव करता है एंड आपके स्किन को वो ग्लो प्रोवाइड करता है. सो दीज आर द टू डिफरेंसेस. ये ग्लो के लिए है एंड ये वाला जो है एंटी पोल्यूटेंट है एंड दिस डिटॉक्सिफाइज योर स्किन. सो ये आज मैं दोनों आपको लगा के दिखाऊंगी. एक साइड पर मैं ये वाला लगाऊंगी एंड दूसरे साइड पर मैं ये फेस वॉश लगाऊंगी. उसके बाद मैं ये दो भी आपको लगा के. ओके, सो व्हेन यू परचेज द फेस वॉश यू गेट फेस फोम, यू गेट दीज यू नो छोटे छोटे जैसे फ्रीबीज ही बोल लो, इस तरीके का कुछ आपको मिलता है. नाउ ये वाला जो है इस पर लिखा है कि आप इसे 2 times यूज़ कर सकते हैं. बट देन इसे मैं एक बार यूज़ कर चुकी हूँ. मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइक नो हल्के तरीके से लगाया था. तो इफ़ एट ऑल यू ट्राई यूजिंग स्मॉल क्वान्टिटी तो आप इसे 3 times तक भी यूज़ कर सकते हो. ओके, तो मैंने मेरे फेस को वेट कर लिया है एंड अब मैं ये दोनों लगा के दिखाऊंगी आपको. सो फर्स्ट ये ब्राइटनिंग वाला मैं आपको एक साइड ऑफ द फेस पे लगा के दिखाऊंगी किस तरीके का है. इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल फेस वॉश जैसे है उसी तरीके का है. बस इसमें जैसे कि मैंने मेंशन किया थोड़े बहुत स्क्रब पार्टिकल्स है एंड इससे लाइक यू नो बिल्कुल भी आपका फेस हार्श यू नो हार्श स्क्रब नहीं होगा. बहुत ही ज़्यादा जेंटल स्क्रब है ये एंड इट मेक्स योर फेस क्विकी क्लीन. इस तरीके का फोम फेस वॉश है ना. अभी फोम आ नहीं रहा है क्योंकि मैंने मेरे फेस को इतना ज़्यादा वेट नहीं किया बिकॉज आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. तो मैं ये अपना दूसरा वाला फेस वॉश जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ. इस तरीके का है एंड ये वाला जो इसका जो टेक्स्चर है ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वाला यू नो फोम फेस वॉश है. बिल्कुल भी आपके फेस को दोनों के दोनों ही बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेंगे. तरीके का है एंड अब मैंने ये दोनों लगा लिया. अब मैं इसे वॉश करके आऊँगी एंड उसके बाद हम मास्क लगाएंगे. तो मैंने मेरे फेस को वॉश कर लिया है एंड या सो आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन एंड एक्सट्रीमली ड्राई स्किन. तो मेरे दोनों ही साइड्स जो है वो बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं हो रहे हैं. दोनों ही साइड्स बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंटली ब्राइटन अप हो गए हैं. एक्चुअली पॉन्स के जो इस तरीके के जो भी फेस वॉश आते हैं उन्हें जब आप यूज़ करते हो तो यू कैन एक्चुअली सी एन इंस्टेंट यू नो ग्लो टू योर फेस या इंस्टेंट ब्राइटनेस टू योर फेस. ओके, देन अब हम ये लगा लेते हैं. तो इसे मैंने थोड़ा सा ओपन कर लिया है एंड इसका जो पिंक वाला साइड लाइक यू नो जो ब्राइटनिंग वाला साइड हम लोगों ने लगाया है उसी साइड में ब्राइटनिंग वाला फेस मास्क लगाऊंगी. एंड इससे पहले भी मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ किया था एंड मुझे ये ब्राइटनिंग वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. आई डोंट नो इसमें ऐसा क्या है बट देन इट एक्चुअली फील्स लाइक
ब्राइटन्ड अप, कैमरा पे इतना ज़्यादा दिखता नहीं है, इन पर्सन यू नो पता लगता है. एंड इन दोनों की ही एक्चुअली मैंने जैसे यूज़ किया है इससे पहले, इन दोनों की टेक्स्चर्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. सो अब मैं ये दूसरा वाला लगा लूँगी एंड देन इसे मैं एटलीस्ट 10 मिनट्स तक मेरे फेस पे रखूँगी. सो ये ड्राई हो चुका है. आई लेफ्ट इट फॉर लाइक 10 to 12 मिनट्स, टोटली ड्राई हो चुका है. ये वाला जो मास्क है ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाता है. इफ़ यू अप्लाई अ थिन लेयर ये एक्चुअली 5 मिनट्स के अंदर ड्राई हो जाता है, बट आई स्टिल केप्ट इट ऑन फॉर लाइक 10 to 12 मिनट्स. एंड अब मैं इन लाइक ना पूरे फेस को वॉश करके आऊँगी. ओके, सो मैंने फेस को वॉश कर लिया है एंड यू कैन सी दैट मेरा जो फेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट लग रहा है. तो डेली यूज़ के लिए वाली जो फेस वॉश है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन दोनों में छोटे छोटे यू नो छोटे स्क्रब पार्टिकल्स है, जो कि इवन इफ यू यूज़ इट मॉर्निंग एंड नाइट ये बिल्कुल भी यू नो आपके फेस को स्क्रैच नहीं करेगा, ड्राई नहीं करेगा आपके फेस को. सो दीज आर ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स. आपको ये दो मास्क भी मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा यू नो इनका जो टेक्स्चर है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा. एंड प्लस ये आपके स्किन को इंस्टेंटली ब्राइटन अप करते हैं. लाइक यू कैन सी मेरा जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंटली ब्राइट कैमरा पे भी लग रहा है, इन पर्सन पे इससे ज़्यादा ही लग रहा है. सो डेफिनेटली दीज आर वर्थ बाइंग. 210 रुपीज़ का आता है. डेफिनेटली यू कैन बाई दीज इफ एट ऑल मुझे लिंक्स मिल जाते हैं, बिकॉज लॉकडाउन का टाइम है, सभी जगह ये चीज़ें नहीं मिल रही है, अमेजोन पे मिल रही है. सो इफ एट ऑल मुझे अभी भी लिंक्स मिल जाते हैं तो डेफिनेटली मैं इन्हें यू नो आपको जो लिंक्स है वो प्रोवाइड कर दूंगी, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. दैट इज ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.